मित्रों, ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है और यह लाल रंग का होता है। अब प्रश्न उठता है, ब्लड लाल क्यों होता है? तो ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है जो RBC के अंदर हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के स्पेशली चार कंपोनेंट्स हैं। RBC जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसका दूसरा नाम इराइथ्रोसाइट्स भी है। दूसरा है WBC जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। तीसरा कंपोनेंट्स है प्लेटलेट्स, और चौथा है प्लाज्मा। ये स्पेशली चार कंपोनेंट्स। अब फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या प्रमुख काम हैं? तो ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग एंड टिश्यूज और लंग तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में बहुत प्रमुख इसका रोल है। और तीसरा है कैरिंग ऑफ, वहन करता है सेल्स और एंटीबॉडीज का जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ती हैं, इन्फेक्शन से अटैक करने में इन्फेक्शन को मचाती हैं। मित्रों, यदि यही ब्लड की हमारे शरीर में कमी हो जाए, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, तो इसका नाम हम रखते हैं एनीमिया। खून की कमी को ही हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया प्रमुख चार टाइप की होती हैं, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। ये दोनों लास्ट की एनीमिया बहुत ही हानिकारक घातक होती हैं। चूँकि एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो, जहाँ पर RBC का फॉर्मेशन होता है, सफिशियंट इनफ मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में ना होने के कारण ये एनीमिया हो जाती है। जहाँ पर बोन मैरो फेल हो जाता है सफिशियंट मात्रा में RBC का। और अगला है हीमोलाइटिक एनीमिया, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होने लगता है, नष्ट होने लगती है RBC, और इसी नाते ये एनीमिया डेवलप कर जाती है। अब मित्रों, क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? एक एवरेज है टोटल वेट का, एक फार्मूला बताता हूँ। टोटल वेट का 12वां भाग ब्लड होता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। यदि कोई मनुष्य 60 kg का है तो उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 5 लीटर। एंड नॉर्मल एक एवरेज माना गया है 5 लीटर, लेकिन इन केस ऑफ फीमेल यह 4.5 लीटर और मेल में माना गया है 5 लीटर। मित्रों, ये रहा ब्लड और ब्लड के बारे में। आप हमारे चैनल बने रहें, अगला हमारा वीडियो जो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इस पर रहेगा। आप चैनल बने रहिएगा, हम आपकी सहायता करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।